में हम बात करेंगे कि यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपने यूरिन का सैंपल आ चुका है, वो जो सामने रखा है। सबसे पहले आपने ग्लव्स पहनने, जो यूरिन सैंपल आपके पास आया हुआ है उसको एक ट्यूब में डालना है। ट्यूब में डालने से पहले ट्यूब पे मार्किंग कर ले, आप पेशेंट का नाम लिख सकते हैं या उसका जो आपने सीरियल नंबर एंटर किया है वो सीरियल नंबर लिख सकते हैं। जैसे ही मार्किंग हो जाती है उसमें आप यूरिन का सैंपल जो है इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करके, पहले कंटेनर को मिक्स करो थोड़ा सा। हाँ चलो चलो डाल दो, कोई बात नहीं। आप जो है इसकी कैप लगा के इसको अच्छे से बंद करके और फिर इसको मिक्स करके उसको वापस बंद कर देना है। अब इसके बराबर आपको एक बैलेंस के लिए ट्यूब लेनी है। तो एक दूसरी कांच की ट्यूब है, इसमें बैलेंस बनाएंगे। इसके बराबर आप जो है डिस्टिल वाटर या नॉर्मल टैप वाटर, अब उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे आमने सामने डाल के। तब तक इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, आप तब तक इसका जो है एल्ब्यूमिन शुगर चेक कर लेंगे। इसको बंद रहने दो अभी। तो जो ये स्टिप है इससे एल्ब्यूमिन शुगर जो इसका यूरिन का चेक करेंगे, कहीं इसमें प्रोटीन तो नहीं आ रहा है और इसमें जो है यूरिन में शुगर तो नहीं है। बस ये स्टिप निकालनी है और इसको ऐसे इसमें डिप कर देना है। उसके बाद इसका जो है आपको कलर मैच करना है। तो इस तरह से देखिए जिस कलर पे ये जो ऊपर दिया हुआ है स्ट्रिप में, ये इसका एल्ब्यूमिन है, नीचे वाला जो है शुगर है। तो इसका जो एल्ब्यूमिन है वो शायद 1+ जो कलर मैच हो रहा है, क्योंकि ये येलो है, उससे आगे ट्रेस है, फिर 1+, 2+, 3+, तो 1+ के जो अराउंड ये आ रहा है। तो इसका जो एल्ब्यूमिन है वो 1+ है यूरिन में आप देंगे। तो चलिए तब तक सेंट्रीफ्यूज होता है यूरिन, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो यूरिन हमारा सेंट्रीफ्यूज हो चुका है, अब इसको सेंट्रीफ्यूज से निकालेंगे। ये जो है यूरिन सेंट्रीफ्यूज हो चुका है, अब इसको डिस्कार्ड कर देंगे। इस सैंपल को डिस्कार्ड कर देंगे, बस इसमें जो नीचे सेडिमेंट बचा हुआ है जरा सा उसको अच्छे से मिक्स करेंगे ऐसे, और मिक्स करने के बाद उसको एक स्लाइड लेनी है ऐसे। ये स्लाइड आपको दिख रही है, इस पे डालो, इस पे जरा सा यूरिन का सैंपल जो है बीच में डाल देंगे बस। बस बस हो गया। तो ये यूरिन का सैंपल, अब इसके ऊपर जो हम एक कवर स्लिप रखेंगे, ये कवर स्लिप जो है ये भी ग्लास की बनी हुई होती है, ये जो स्क्वायर में आती है बिल्कुल, इसको इस पे रख देंगे। अब इसको उठा के जो है स्लाइड को एक बार दिखाओ, इधर माइक्रोस्कोप पे रखेंगे और जो अपना लेंस है उसको ये वाला जो 40x है ये आपको दिख रहा होगा, 40x इस पे सेट करेंगे। 40x को यूरिन की स्लाइड देखने के लिए यूज़ करेंगे। माइक्रोस्कोप ऑन करेंगे, इसमें वीडियो के बीच में हम कुछ इसकी पिक्चर्स डालेंगे कि यूरिन में जो है आपको क्या दिख रहा है। तो फिर वीडियो जो है हमारी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि जैसे हमने बताया आपको, सबसे पहले यूरिन का सैंपल आया, उसको सेंट्रीफ्यूज किया और फिर उसके बाद उसको डिस्कार्ड करके जो उसका सेडिमेंट है उसको हम स्लाइड पे डालते हैं ऐसे, उस पर कवर स्लिप रखते हैं और फिर माइक्रोस्कोपी करते हैं। अभी कुछ इसमें हमें जो है फाइंड आउट होगा तो हम आपको जो है वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे। तो इसमें हमें देखिए कुछ पसल्स नज़र आ रहे हैं, ये जो है जैसे पसल्स हैं और कुछ डस्ट पार्ट भी हैं, बाकी आप खुद से माइक्रोस्कोपी करेंगे तो आपको
जो अच्छे से दिखेगा, जैसे कि कुछ इसमें प्लस सेल्स भी हैं, बाकी वेस्ट जो डस्ट पार्ट भी हैं। तो ये जो यूरिन है इसमें काफ़ी सारी जो है RBCs दिख रही हैं, आप देख सकते हैं फुल फिल्ड इसको जो है दे सकते हैं, काफ़ी सारे ये RBCs इसमें जो दिख रहे हैं। इसके मैं एक दो जो है पिक्चर्स भी लास्ट में डाल दूंगा एक जगह इसको सेट करके, क्योंकि ये वीडियो में आ रहा है, इसमें काफ़ी सारी जो है ये RBCs इसमें आपको नज़र आ रही है।